हेलो एवरीवन, हम सब सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस के पार्टिसिपल को विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम सब सिंपल सेंटेंस में इन्फिनिटिव को पढ़ेंगे। अब इन्फिनिटिव क्या है उसके बारे में जानते हैं कि जब हिंदी में क्रिया में ना ने नी लगा हो तब वह क्रिया नहीं रह जाता बल्कि इन्फिनिटिव हो जाता है। यह तीन प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल इन्फिनिटिव, दूसरा होता है परफेक्ट इन्फिनिटिव और तीसरा होता है जिरंडियल इन्फिनिटिव। तो सबसे पहले आज हम सब सिंपल सेंटेंस के इन्फिनिटिव में सिंपल इन्फिनिटिव पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर वाक्य एक्टिव वॉइस में हम उसको बना रहे हैं तो इसमें सबसे पहले टू और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा करके उसको इन्फिनिटिव में परिवर्तित करते हैं। जैसे दिया ही वांटेड टू बाई सम बुक्स, ही वेंट टू मार्केट। तो वह बाज़ार गया, कारण यह था कि वह कुछ पुस्तक खरीदना चाहता था। तो यहाँ लिख देंगे ही वेंट टू मार्केट टू बाई सम बुक्स। एक और उदाहरण देखते हैं। आई वेंट टू स्टेशन, मैं स्टेशन गया। माई ऑब्जेक्ट वॉज टू रिसीव माई कजिन, मेरा उद्देश्य अपने चचेरे भाई को रिसीव करना था। तो यहाँ दे रहा है कि मैं स्टेशन गया और यहाँ ऑब्जेक्ट उसका था यानी उद्देश्य था, यहाँ टू से जुड़ा हुआ है, वहीं टू से इसको भी जोड़ देंगे। तो यहाँ है आई वेंट टू स्टेशन रिसीव माय कजिन। तो ये साधारण वाक्य में यानी एक्टिव वॉइस में होने पर, एक्टिव वॉइस में जब परिवर्तित हो रहा है। अब अगला देखते हैं, अगर वाक्य को पैसिव वॉइस में हम परिवर्तित करके बनाते हैं तो वहाँ पे टू बी का प्रयोग होगा और वर्ब थर्ड फॉर्म लग जाएगा। जैसे दिया ही है सम बिल्स, ही मस्ट पे देम। तो इसको अगर हम पैसिव वॉइस के इन्फिनिटिव में बना करके जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा ही हैज सम बिल्स, ये हो गया। अब इसके पहले हमको इन्फिनिटिव लगाना है और बी लगाना है और वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगा तो पे का पेड हो जाएगा और देम नहीं लगाएंगे क्योंकि देम बिल्स के लिए आया है। तो एक बार बिल्स आ चुका है तो इसके बदले में कोई भी प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, यही समाप्त हो जाएगा। यह सिंपल सेंटेंस का रूल है। अगला देखिए, अब दे रहा है कि आई हैव सम फाइल्स, मेरे पास कुछ फाइलें हैं और आई मस्ट साइन देम। तो उसी तरह अभी हो जाएगा आई हैव सम, यहाँ टू लगा करके बी लगा देंगे, क्रिया थर्ड फॉर्म हो जाएगा, टू बी साइंड देम नहीं लगेगा। अब दूसरा जो इन्फिनिटिव है वह है परफेक्ट इन्फिनिटिव। तो अभी परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। उसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं चाहे पहचान सकते हैं कि यदि इन्फिनिटिव का कार्य फाइनाइट वर्ब के कार्य के पहले पूर्ण कर लिया गया हो तब वह परफेक्ट इन्फिनिटिव कहलाता है। अगर इसमें जब एक्टिव वॉइस में हम उसको परिवर्तित करेंगे तो टू उसके बाद हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म में उसको परिवर्तित करेंगे। जैसे दिया ही टॉप्ड द लिस्ट, ही वॉज वेरी ग्लैड। तो अब यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है कि अगर यानी उसका यही दिया है कि इन्फिनिटिव का कार्य फाइनाइट वर्ब से पहले अगर हो जाता है तो उस समय वह परफेक्ट इन्फिनिटिव कहलाता है। तो वही यहाँ दिया है, he
ही टॉप द लिस्ट, यानी वह लिस्ट में यानी सब टॉप कर लिया, और ही वॉज वेरी ग्लैड, वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। तो अब इसको जब परिवर्तित करेंगे तो यह पहले आ जाएगा, और इस वाक्य जैसे है वैसे लिख देंगे, ही वॉज वेरी ग्लैड। ये हो गया ही वॉज वेरी ग्लैड। अब उसके बाद यहाँ से हम इसको इन्फिनिटिव बनाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा टू, हैव लगाना है, वर्ब थर्ड फॉर्म तो टॉप्ड थर्ड फॉर्म भी होता है, TOPPED, टॉप्ड द लिस्ट। एक और उदाहरण देखते हैं, शी गॉट द फर्स्ट प्राइज, शी वॉज वेरी हैप्पी। उसी तरह इसको भी इधर लेके आएंगे, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। टू हैव गॉटन द फर्स्ट प्राइज, हो गया। अब अगर वाक्य पैसिव वॉइस में बन रहा है तो वहाँ पर टू और हैव बीन और वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे तो दिया है ही हैज़ बीन पनिश्ड बाय द टीचर, इट सीम्स सो, ऐसा प्रतीत होता है। तो यही इट सीम्स सो, इसको उठा करके हम सब्जेक्ट के साथ लगा देंगे, तो यह हो गया ही सीम्स। अब इसका हमको प्रयोग करना है, तो हो गया टू हैव बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म ही रहेगा, पनिश्ड बाय द टीचर। अगला भी ऐसे देखते हैं, तो दे रहा है कि राधा हैज़ बीन स्कोल्डेड बाय हर फादर, इट सीम्स सो, तो यह भी ऐसे ही हो जाएगा, राधा सीम्स। उसके बाद हमको टू लगा देना है और हैव बीन का प्रयोग कर देना है, टू हैव बीन, क्रिया थर्ड फॉर्म पहले से ही है, स्कोल्डेड बाई हर फादर। अब तीसरा हमारा है जिरंडियल इन्फिनिटिव। तो जिरंडियल इन्फिनिटिव में यह हो सकता है कि यदि इन्फिनिटिव के द्वारा उद्देश्य प्रकट किया जाए और हिंदी के वाक्य में के लिए लगा हो, तब वह जिरंडियल इन्फिनिटिव कहलाता है, और एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है तो उसे टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा करके उसको बनाते हैं। जैसे ही गेव मी अ मैंगो, ही आस्क्ड मी टू ईट इट, तो यहाँ ही गेव मी अ मैंगो टू इट, उसने मुझे खाने के लिए एक काम दिया। आगे दे रहा है कि आई वेंट टू दिल्ली, आई वॉन्टेड टू सी माई एलिंग कजिन, कह रहा है कि मैं दिल्ली गया और मैं अपने बीमार भाई से या चचेरे भाई से मिलना चाहता था, तो यानी उद्देश्य फिर यहाँ पर, तो यहाँ हो गया आई वेंट टू दिल्ली, और टू से यहीं पर हम जोड़ देंगे, टू सी माई हेलिंग कजिन, हो गया।
ही इज वेरी वीक, ही कैन नाट, यहाँ पे छूट गया है लिफ्ट, LIFT, ही कैन नाट लिफ्ट दिस बॉक्स। तो अब देखिए इसमें वेरी आएगा और इसमें कैन नाट या कुड नाट आएगा। अगर इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो इसको हम एडवर्ब में परिवर्तित कर देंगे, तो ही इज वेरी को जब एडवर्ब में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा टू, उसके बाद हम वीक लिख देते हैं, यानी इस टू को आने पर इधर का कैन नाट समाप्त हो जाता है। उसके बाद ही यहाँ आया ही है, ही समाप्त हो गया, कैन नाट टू आने पर समाप्त हो जाएगा और यहीं से टू से हम इसको जोड़ देंगे, टू लिफ्ट दिस बॉक्स। अगला है सी वॉज वेरी ओल्ड, फिर यहाँ देखिए वेरी आया है, यहाँ कुड नाट आया है, यानी पास्ट में होगा तो कुड नाट आएगा, प्रेजेंट में होगा तो कैन नाट आएगा, तो यहाँ हो गया सी वॉज टू ओल्ड टू, क्योंकि सी समाप्त हो गया, टू लगने से कैन नाट या कुड नाट समाप्त हो जाता है, उसके बाद जो वर्ब है इन्फिनेटिव बन जाएगा। फिर उसी तरह अभी है कुछ अलग तरह के जो भी इन्फिनेटिव अलग तरह से बन रहे हैं, दे रहा है कि वॉक इन द ओपन एयर, खुली हवा में टहलो, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, यह स्वास्थ्य के लिए लाभकर है। तो हम यहाँ टू को ही हम बना, इसी वाक को हम पहले टू से जोड़ देते हैं, इसी को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो टू वॉक इन द ओपन एयर और इज गुड फॉर हेल्थ, ये हो गया। इसको एक तरह से और हम बना सकते हैं, इसको हम पहले कर सकते हैं, इट इज गुड फॉर हेल्थ, उसके बाद इसको टू से जोड़ देंगे, टू वॉक इन द ओपन एयर, ये हुआ। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, दिया है आई हियर्ड ऑफ योर सन्स बर्थ, मैंने आपके पुत्र के जन्म की सूचना को सुना और आई वॉज प्लीज्ड, मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। तो इसको हम पहले कर देंगे, यहाँ देखिए आई वॉज प्लीज्ड टू हियर ऑफ योर सन्स बर्थ। आगे है गिव हिम अ चेयर, उसे कुर्सी दो, ही विल सिट ऑन इट, वह इस पर बैठेगा, तो हो जाएगा गिव हिम अ चेयर टू सिट ऑन इट, समाप्त हो जाएगा, चेयर के लिए है, ही नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ हिम आ चुका है, उसको ही देना है। आगे है आई कुड नाट बाई द बुक, मैं पुस्तक नहीं खरीद सका, आई हैड नाट सफिशियंट टाइम, सॉरी ये मनी, आई हैड नाट सफिशियंट मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। तो अब यहाँ देखिए इसको हम वाक्य टू से जोड़ने पर ऐसे नहीं बैठेगा, तो इस दूसरे वाक्य को हम पहले ला रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा आई हैड नॉट सफिशियंट मनी, और यहाँ इसमें चूंकि इसमें भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये समाप्त हो गया, यहाँ टू से जोड़ देंगे,
टू बाई द बुक, ये हो गया। अब पीछे वेरी वाला हम लोग पढ़े हैं, इधर वेरी आएगा, इधर कैन नाट कुड नाट आएगा, लेकिन उसमें सब्जेक्ट एक ही बराबर था। यहाँ भी सब्जेक्ट वही था, यहाँ भी सब्जेक्ट वही था, यहाँ अंतर आ रहा है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो अब इसके लिए देखिए, दी क्वेश्चन वाज, वेरी को हम एडवर्ब में परिवर्तित कर दिए तो हो गया टू डिफिकल्ट। अब यहाँ देखिए, अब इस सी को हम लगा, क्योंकि हमको लगाना है लेकिन लगा नहीं सकते हैं, इसमें लगाएंगे तो बिल्कुल उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, तो हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में बदल करके फार से जोड़ देंगे, फॉर, ये हो जाएगा हर। अगर यही होता दि, यहाँ पर अगर आई होता तो यह हो जाता फॉर मी, अगर ही होता, यानी जो भी होगा, यहाँ इस तरह के वाक्य दोनों अलग अलग सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो यहाँ जो भी होगा उसका हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगा करके उसको फॉर से जोड़ देंगे। तो ये हो गया दिस क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट फॉर हर, अब यहाँ टू से जोड़ देंगे, टू सॉल्व, ये हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो निश्चित रूप से समझ में आया होगा, इसको बार बार रिवाइंड करके देखिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। आप इसको शेयर कीजिए अधिक से अधिक अपने मित्रों में, ताकि वो लोग भी इसको पढ़ें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।